राम, मैं हूँ पीके वैद्य और आप लोगों का आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट या आयुर्वेद के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, खास करके उनके लिए जो प्रश्न पत्रों को मैं साल्व करा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। विगत 10 से 15 वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो है समावेश करके मैं जो है आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और आज से जो है मैं आप लोगों को परिचर्या के मूल सिद्धांत का प्रश्न पत्र 1 साल्व कराऊंगा। इसके पहले जो मैंने प्रश्न पत्रों को साल्व कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन प्रश्न पत्रों को भी देख लीजिए और उनमें से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाने के लिए। एक देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 में दिया है, परिचर्या का तात्पर्य है सेवा, अर्चना, पूजा, उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा बता दीजिए। तो इसमें आपका डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सही, क्योंकि परिचर्या का जो है कार्य होता है सेवा करना, पूजा करना और अर्चना करना, यानी मरीज के प्रति, जो आपका मरीज आपके पास आया हुआ उसके पास प्रति आपको पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना है, उसका सेवा करना है, पूजा करना है, अर्चना करना है, और उसे जब तक वो पूर्ण रूपेण ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपको उसका जो है भरपूर मदद करना है। तो परिचर्या का पर्याय में जो है उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 में दिया है परिचर्या का पर्याय है, तो इसमें दिया है रुदन, सुषुषा, कंदन, उपयुक्त कोई नहीं, तो इसमें भी विकल्प सही होगा, सुषुषा करना यानी चिकित्सा करना उसका जो है पर्याय हो जाएगा। इसमें जो है आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्स कंपाउंडर द्वारा बनाया गया संगठन कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नर्स कंपाउंडर का बनाया गया संगठन है उसे कहते हैं आईसीएन, ये जो है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नर्स और कंपाउंडर का संगठन बनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमने इसको एग्जाम्स के प्रश्न पत्रों में देखा है, पूछा गया है, तो इसे नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, सृष्टि की प्रथम परिचारिका थी, तो इसमें दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर ट्रेसा, एलिजाबेथ और माता, तो इसमें कौन सा होगा, चौथे का डी सही होगा, यानी माता होती है जो सृष्टि की प्रथम परिचारिका। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 5 में दिया है सेवा करना प्रत्येक प्राणी का कौन सा गुण है, सेवा करना प्रत्येक प्राणी का नैसर्गिक गुण है, नोट करिए। विश्व की प्रथम नर्स कौन थी, विश्व की प्रथम नर्स कौन थी आप लोग बता दीजिए। इसमें दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर ट्रेसा, एलिजाबेथ और उपयुक्त कोई नहीं, छठवें का सी सही, ए सही होगा, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये आपका विश्व की प्रथम नर्स थी, इसे इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग। 7 देखेंगे, फ्लोरेंस का जन्म किस शहर में हुआ था, फ्लोरेंस का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ये थी इटली की निवासी, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था इटली में, नोट कर लीजिए। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब रोगियों की सेवा की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब रोगियों की सेवा की थी आप लोग जानते हो तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 9 का बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग घायल हो गए थे उनकी सेवा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा से खुश होकर इसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट का अधीक्षक बनाया, तो ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुश होकर किसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनाया था, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 10वें का ए, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है इनकी सेवा भाव को देखकर
मरीजों के प्रति समर्पण देकर इनको जो है नर्सिंग इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बना दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको भी देखने को मिलेंगे। तैयार कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत समय के बाद आई हुई है। और प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो है 13 अगस्त 1910 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, लेडी ऑफ लैंप किसे कहा जाता है। लेडी ऑफ लैंप किसे कहा जाता है, तो ये होंगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी ऑफ लैंप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 13 में दिया हुआ है कि राजस्थान में नर्सिंग प्रशिक्षण देने का कार्य कब प्रारंभ हुआ। राजस्थान में नर्सिंग प्रशिक्षण देने का कार्य 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर देखेंगे 14 में दिया है कि भारत में नर्सिंग प्रशिक्षण देने का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था आपका चेन्नई में। कहाँ प्रारंभ हुआ था, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग की स्थापना कब हुई। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग की स्थापना कब हुई, 15 का बी होगा, 1940 ईस्वी में जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की स्थापना की गई थी, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राजस्थान में नर्स कंपाउंडर को प्रशिक्षण देने का कार्य कब प्रारंभ हुआ। 16 नंबर प्रश्न का सी सही होगा, यानी 1958 ईस्वी में राजस्थान में नर्स और कंपाउंडर को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, राजस्थान में नर्स कंपाउंडर को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 17 का सी सही होगा, यानी राजस्थान आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के द्वारा जो है शुरू किया गया, इसका सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 18 देख लेंगे, प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि राजस्थान में धात्री कल्पद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोले गए, कहाँ खोले गए थे, तो ये राजस्थान व जोधपुर दोनों में जो है इनको खोला गया था। प्रश्न नंबर इसके आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि धात्री कल्पद कार्यक्रम का डिप्लोमा कब प्रारंभ किया गया। धात्री कल्पद का डिप्लोमा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो प्रश्न नंबर 19 या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प सही होगा, 1978 ईस्वी में इसको जो है शुरू किया गया, तो नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, राजस्थान में नर्स कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसमें दिया है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा, आयुर्वेद निर्देशालय अजमेर के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग जयपुर के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 में दिया है कि राजस्थान में नर्स कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स कब प्रारंभ, कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध रहा। प्रश्न नंबर 21 में है, राजस्थान में नर्स कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्ध रहा, तो इसका 21 का सी विकल्प सही होगा, 2002 तक ये जो है संबंध रहा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 में दिया है, राजस्थान में नर्स कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स कब से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 22 का डी विकल्प सही होगा, 2003 से। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, 23 में दिया है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2010-2011 में संबद्ध नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं। 23 का कौन सा विकल्प सही होगा बता दीजिए, 23 का आपका बी विकल्प सही होगा, यानी 29 कितना होगा, 24 देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि जिन क्रियाओं के द्वारा विकृति को प्राप्त दोषों को सम्य अवस्था में लाया जाता है उसे कहते हैं।
24 का बी विकल्प सही होगा, उसे कहते हैं चिकित्सा। क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं जिन क्रियाओं के द्वारा विकृति को प्राप्त दोषों को साम्य अवस्था में लाया जाता है उसे चिकित्सा कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है विगत आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 25, नाभि क्रिया विजयन्ते शरीर धातौ समः शा, उसके बाद इसमें जो है खाली स्थान दिया हुआ है, विकर्णा कर्म दिद वासजम स्मृताम, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। 25 का भी सही होगा चिकित्सा, इसमें जो है चिकित्सा शब्द जो है भरा जाएगा। नोट कर लीजिए आप, विषाग दीनम सतानाम धातु विकते अप्राकृत्यम धातु समर्थया, उसके बाद खाली स्थान दिया है इत धी, तो इसमें क्या भरा जाएगा? 26 में आपका बी विकल्प सही होगा चिकित्सा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? चिकित्सा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 27 में देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में दिया है चिकित्सा के पाद हैं, चिकित्सा के कितने पाद हैं फटाफट बता दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके 4 पाद कहे गए हैं चिकित्सा के। चिकित्सा की कला है 28 में जो है चिकित्सा की कला है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा 16 कला है। चिकित्सा की कितनी कला है? 16 कला है। प्रश्न नंबर 29 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैद्य द्रव्य उपस्थता व रोगी ये क्या हैं? वैद्य द्रव्य उपस्थता व रोगी 29 का बी होगा, यानी चिकित्सा के पाद हैं। ये क्या हैं? चिकित्सा के चतुर्थ पाद हैं, वैद्य द्रव्य उपस्थता व रोगी, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, इसमें दिया है चिकित्सा चतुर्थ पाद में कौन सा पाद श्रेष्ठ है? 30 का ये होगा, यानी वैद्य जो है श्रेष्ठ पाद है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, 31 में दिया है चतुर्थ पाद होने चाहिए, क्या होने चाहिए? 31 में जो दिया हुआ है चतुर्थ पाद होने चाहिए 31 में, ये होगा प्रशस्त जो है होना चाहिए। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, धात्री पर्याय है, धात्री पर्याय है, 32 का जो है बी विकल्प सही होगा, परिचारक का पर्याय जो है धात्री है। प्रश्न नंबर 33 देख लेंगे, 33 में दिया है उपास्थता पर्याय है, 33 का बी होगा परिचारक, जिसको जो है परिचारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, कल्पद पर्याय है, कल्पद पर्याय है, 34 का 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही होगा, परिचारक का, नोट कर लीजिए आप लोग। 35 देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 दिया है उपवैद्य पर्याय है, उपवैद्य पर्याय है, 35 का बी होगा, यानी परिचारक। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, कंपाउंडर पर्याय है, कंपाउंडर किसका पर्याय है? 36 का जो है बी सही होगा, यानी परिचारक का पर्याय है कंपाउंडर। 37 नर्स पर्याय है, नर्स 37 इसका भी परिचारक होगा, नोट कर लीजिए भैया। है कि उपचरज्ञता दक्ष मनानुरागस्य भर्तरी शौच चेति चतुष्केण गुणा, यह किसका लक्षण है? 38 का बताइए, ये होगा बी, यानी परिचारक का जो है लक्षण है। ये सब श्लोक दिए हुए हैं, श्लोकों को पूछा जाता है, एक दो श्लोक आपको देखने मिलेगा। तो अनुरक्ता सुभिच्छो बुद्धिमाना उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, 39 का बी होगा परिचारक, परिचारक जो है इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, इसमें दिया है वह कौन सा लक्षण है जो वैद्य व परिचारक दोनों में पाया जाता है? कौन सा लक्षण है भैया? तो इसमें होगा दक्ष, दोनों अगर दक्ष होंगे तभी आपका जो है काम सफल होने वाला है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे,
वह कौन सा लक्षण है जो वैद्य प्रचारक दोनों में पाया जाता है। 41 दोबारा दूसरा इसी तरह को घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें होगा सूची, जो ऐसे विकल्प के आधार पर आपको उत्तर देना होगा, ऐसे नहीं कि जो आप अपने मन से याद किए वही टिक लगाते चले जाएंगे, या वो विकल्प में नहीं मिल रहा तो आप ढूंढते परेशान हो जा रहे हैं। इसमें दिया है स्निग्धो जुगुत्स बलवाना युक्तो व्याधिते रक्षणे वैद्यवाक्यदम सनंता पाद स्मृतम। बीच में विकल्प भरना है, 42 में भी होगा परिचार का जो है स्मृता होगा, इसके बीच में आपको परिचारिका शब्द भरना होगा। नोट नंबर 43 देखेंगे, परिचारिका के नीति शास्त्र को कहते हैं। 43 का ये होगा आचार्य संहिता, परिचारिका के नीति शास्त्र को क्या कहते हैं, आचार्य संहिता कहते हैं। 44 देख लीजिए, महत्वपूर्ण होगा सैद्धांतिक व प्रायोगिक ज्ञान दक्षता व पवित्रता किसका लक्षण है। 44 का ये विकल्प सही होगा वैद्य का, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 45 में दिया है कि बहुश्रुतता बहुकर्माभ्यर्थी दक्षा व सोच किसका गुण है। 45 का जो है आपका विकल्प सी सही होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, 46 में दिया है कि बहुता आयोग्य अनेक विधि कल्पना संपत्ति यह किसका गुण है। 46 का ये होगा औषध, औषध का जो है ये गुण होता है कि बाहुल्या योग्यता अनेक विधि कल्पना अनुपहत या किसका गुण है। 47 का ये होगा औषधि का गुण है। 48 देखेंगे, स्मृति निर्देश कारित्वा अभिरुक्त ज्ञापक यह किसका गुण है। 48 का आपका विकल्प डी सही होगा, आतुर, आतुर जो है इसका होगा। 49 देखेंगे, अड़य विषज्ञ वाश्या ज्ञापक व सत्वान यह किसका गुण है। 49 का डी होगा, रोगी का होगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, 50 देखेंगे, इसमें दिया है किस व्यक्ति का धनी होना आवश्यक है। 50 में दिया है चिकित्सक परिचारक रोगी स्वास्थ्य, 50 नंबर प्रश्न में दिया है सी, यानी रोगी को जो है धनी होना चाहिए, अगर उसके पास धन नहीं होगा तो अपनी चिकित्सा कैसे योग्य वैद्य परिचारक के पास जाके करवा पाएगा। तो 50 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से आगे के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।